ऐसे ही नहीं कहते कि राहुल वैद्य दिल से विनर है। वेल आखिरकार आपको बता दूं कि राहुल वैद्य और रूबीना दिलेक जब बिग बॉस के घर के अंदर सिर्फ वो दो अकेले कंटेस्टेंट रह गए थे और 2 घंटे तक वो घर के अंदर थे, तो उन्होंने क्या किया है चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल आपको बता दूं कि बिग बॉस की शूटिंग जो है वो काफी टुकड़ों में हुई थी, कुछ चीजें लाइव थी कुछ चीजें लाइव नहीं थी। सो यहाँ पर जैसे परफॉर्मेंस आपने देखी है वो सारी लाइव नहीं थी। एली गोनी और निकी तंबोली का इविक्शन होने के बाद में भी एक ब्रेक लिया गया था जिसमें लाइव वोटिंग जो थी वो स्टार्ट करनी थी। अब आपको बता दूं यहाँ पर कि जिस समय राहुल वैद्य और रूबीना दिलेक अकेले बैठे हुए थे, अकेले बैठ के बातचीत कर रहे थे, उस समय पर उन दोनों ने ही अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने की जो है पूरी पूरी कोशिश कर दी है। इनफैक्ट राहुल वैद्य ने तो क्लियरली कहा है कि जब भी रूबीना दिलेक मेरे को मिलेंगी तो एक अच्छे नोट पर ही मैं उनसे मिलता हुआ नजर आऊंगा, एक स्माइल के साथ नजर आऊंगा, कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि जो भी है वो बिग बॉस का है और बिग बॉस के घर में ही चाहते हैं कि हम वहीं पर ही रहे। इनफैक्ट राहुल ने ये भी कहा है कि मैं किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी जो है लेकर नहीं जाना चाहता हूं। और जहां तक हमें पता है कि मेरा और रूबीना का कुछ ऐसा मेजर कभी हुआ नहीं, हमें इनफैक्ट ये भी नहीं मालूम है कि आखिरकार हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतने ज्यादा जो है दिखाई देती हैं चीजें या ग्रजेस होती हैं। सो गाइस क्या कहना चाहेंगे आप लोग राहुल वैद्य की इस बात पर, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।